हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। चलो देखते हैं कल का मार्केट कैसा होने वाला है। 20 सितंबर का मार्केट किस तरीके से ट्रेड होने वाला है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। और देखो, कल भी मैं आप लोगों को बताया था हमारा सपोर्ट क्या नीचे 25,300 है। बट क्या हुआ, अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर चेक करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये चेक करो, हमारा चार्ट है, मॉर्निंग चार्ट है। मैंने आप लोग को ड्रॉ करके सेंड किया हुआ था, चेक चेक कर लो। ये हमारा निफ्टी का है, 25,300 का मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को सेंड किया हुआ था, और ऊपर रेसिस्टेंस मैंने बताया हुआ था, ठीक है। और चेक करो, मॉर्निंग में मैं सेकेंड चार्ट सेंड किया, ये बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी का नियर बाय हमारे जो भी मैंने आप लोग जिस तरीके से बताया हुआ था निफ्टी का। एक सेकेंड, ये चेक करो, सॉरी, दोनों बैंक निफ्टी का ही। ओके ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लो। और ये जो ओपन हुआ था ना, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ओपन जो हुआ था निफ्टी का नियर बाय, देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, इसके आसपास ओपन हुआ था, 25,580 के पास ओपन हुआ था। बहुत ही अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, बट वहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड इस लेवल को टच किया, 25,600 टच किया, वहाँ से कंटिन्यू डाउन आया। नीचे जो सपोर्ट लिया 25,400 का सपोर्ट लिया, ठीक है। और कल का जो हमारा सपोर्ट होगा 25,300 का सपोर्ट होगा। यदि देखो यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, 25,400 को ब्रेक करता है, 25,400 को ब्रेक करता है, तो हमारा सपोर्ट क्या होगा नीचे, 25,300। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना है, एसएम कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना, ठीक है। और यहाँ से एक अपमूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से एक अपमूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। 25,300 से ये सेफ रहने का एरिया है, ठीक है। यदि देखो गैप अप ओपन होता है, 25,500 के पास ओपन होता है, रिट्रेस होता है मार्केट, थोड़ा डाउन आता है, फिर ये ब्रेक होता है ना, तो एक अच्छा खासा अपमूव आप लोगों को मिल सकता है, 100-150 पॉइंट का मूव मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। 25,500 से 25,600-650 तक का मूव आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी का हमारा व्यू है, और 50 EMA के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। आज भी क्लोजिंग दिया 50 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ। और एक चीज़ देख लेता हूँ, 200 EMA नियर बाय 200 EMA के पास ही है, और 200 EMA को 50 EMA ब्रेक कर रहा है, चेक कर लो आप लोग। तो मे भी चांस है कि कल एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आप लोगों को देखने को मिले। यदि गैप डाउन भी ओपन होता तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव आप लोगों को देखने को मिल जाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 25,300। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मैंने आप लोगों को जो ही बोला था, 52,800 का हमारा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं हुआ। 52,900 के पास आके आज का सपोर्ट बना, आज का जो डे लो था वहीं पे आज का सपोर्ट बना, ठीक है ना। 52,900 के पास सपोर्ट बना, बट हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 52,800 के पास है। यदि ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड, एक अच्छा खासा आप लोगों को 200-500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यदि गैप डाउन कॉल ओपन होता है और यहाँ से एक अच्छा खासा आप लोगों को अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, 53,200 के पास तक का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 52,900 के पास यदि गैप डाउन ओपन होता है, देखो यदि गैप अप ओपन होता है, ट्राई करना, गैप अप ओपन होता है 53,200 के पास ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करेगा। ये टाइम एक्सपेंड करता है तो 30 मिनट के बाद यहाँ पे ट्रेड हम लेंगे, एक अच्छा खासा मूवमेंट हम यहाँ पे चेक करेंगे। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या बन रहा है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल वाच करेंगे, एंड थर्ड कैंडल से हम ट्रेड करेंगे, अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। आज भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेक करो, एक सिंगल कैंडल 5 मिनट का, देखो 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद एक आप मूव दिया, वहाँ से डाउन हुआ मार्केट, गैप डाउन, ये डाउन हो, ठीक है ना। यहाँ पे आके थोड़ा सा फिर से नियर बाय सपोर्ट के पास गया, और वहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव दिया, और यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज मार्केट हो गया था, ठीक है ना। तो ऊपर का जो हमारा रेसिस्टेंस एरिया है 53,200 का रेसिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए 53,500 के पास जाना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और नीचे जो हमारा सपोर्ट रहेगा 52,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे कोई भी गलती मत करना कि कॉल साइड ट्रेड लेके रखना, सॉरी पुट साइड ट्रेड लेके रखना, ठीक है। इस एरिया में कोई भी पुट साइड का ट्रेड मतलब जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक होता है तो अच्छा खासा डाउन साइड का आप लोगों को मूवमेंट लेके मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से एक आपको अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सेफ रहना इस एरिया में। देखो जो भी प्रोसेस टेलीग्राम पे नहीं, प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट देता रहता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो आज का है, ये चार्ट वगैरह सेंड किया हूँ, 24 का एक्सपायरी का मैंने होल्ड करवाया था, 53,000 सी होल्ड करवाया था, 160 पे होल्ड करवाया था, आज एग्जिट करवाया उसको लगभग 500 पे एग्जिट करवाया हूँ, ठीक है, ये चेक कर लो। और ये कुछ सिलेबस वगैरह एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं दिया हुआ था, चेक कर लो। और यहाँ पे मैं क्लियर सभी को बोला हुआ था 53,200-300 के पास रेजिस्टेंस है, और मार्केट बैक कहाँ से हुआ आप लोग चेक कर लो। 53,300 जैसे ही टच किया यहाँ से मार्केट बैक हो गया। और टेलीग्राम पे अपडेट दिया हूँ, और ये भी बताया हूँ
प्रीमियम ग्रुप में अपडेट दिया हूँ एंड स्क्रीन शॉट टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, ठीक है ना। रिस्की है गाइज कॉल साइड, ठीक है ना। तो जो भी पर्सन समझ गए होंगे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके अच्छा खासा। और निफ्टी का भी बता दिया था रेसिस्टेंस का है 50-25-600 के पास रेसिस्टेंस है, मैंने बताया था। और देखो यहाँ पे 600 जैसे ही टच किया यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मूव हुआ। ये जब मैं बताया था तभी होने से पहले बताया था, ठीक है ना, जब ये हुआ नहीं था। ये ग्रीन कैंडल पे ही मैं बताया था कि इस लेवल को टच करके यहाँ से आपको डाउन मूव देखने को मिल सकता है, और वही हुआ मार्केट में, ठीक है ना। चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल दिया हुआ था मैं 60 पे दिया हुआ था, और ये लेवल जो मैं बुक कराया 98 पे बुक करवाया था। ये वीडियो बना के भी सेंड किया हुआ था। जो भी प्रोसेस टेलीग्राम पे नहीं हो प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और बायो में है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ पे। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस।